हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइज, फाइनली इट्स दैट टाइम ऑफ द डे, ओके, कि भाई IBPS AFO का एग्जाम, अब स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं। स्टूडेंट हमारे साथ अभी लाइन पर भी है, कनेक्टेड हैं। एक एक करके जानेंगे कि क्या है यहाँ पर, कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आए। एंड लेट मी टेल यू, लास्ट के 2-3 साल, सो लास्ट पेपर जो कि सबसे अनएक्सपेक्टेड आया था, दैट वाज 2018, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मोस्टली यहां पे एग्रोनॉमी या सॉइल साइंस से फोकस थे। अगर मैं 2019 की बात करूं तो जो पेपर आया था, ओके, उसमें मतलब 2019 का नोटिफिकेशन, ओके, सो वहां पर जो पेपर था, 18 का नोटिफिकेशन, सॉरी, ठीक है, वहां पर जो पेपर था वहां पर आपका करंट अफेयर से मोस्टली फोकस क्वेश्चन था, करंट अफेयर, सब्सिडी एंड ऑल। और उसके बाद से जो 2-3 साल है ना, वो मोस्टली जनरल एग्रीकल्चर पर फोकस हो रहा था विथ मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स के साथ फोकस हो रहा था। लेकिन इस बार पासा पलट गया है, ओके, जहां पर हर साल कहीं पे 2 या फिर कहीं 1 या 3 क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार आप द सो कॉल्ड माइनर सब्जेक्ट्स, मैं बार बार बोलता था ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नहीं कि आप एग्री के स्टूडेंट हो तो आप फिशरी कम पढ़ोगे, फॉरेस्ट्री कम पढ़ोगे या कोई दूसरा सब्जेक्ट कम पढ़ोगे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सो अगेन एलाइड साइंसेस के यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी सारे आए हैं, सो लेट्स गो अहेड एंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मीनाक्षी मैम और वर्षा मैम है, मैम एक बार बताएं, ओके, कि किस तरह का रहा, लेट्स कीप इट शॉर्ट। एंड जी सर, थैंक यू सर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप सभी, सो हाउ वाज योर एग्जाम। तो अभी हमारे स्टूडेंट्स से जैसे थोड़ा सा इंटरेक्ट हुआ है हमारा, और अभी आप लोगों से हम वो जो कन्वर्सेशन है वो दोबारा से कराएंगे, आप लोगों को पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो गाइज़, आप सभी स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता था, ज़्यादातर आप लोग क्लासेस में अटेंड करते वक्त भी सोचते थे कि फिशरी फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, क्या करें क्या ना करें। तो गाइज़, आज का जो आप लोगों का IBPS AFO का एग्ज़ाम अभी हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट्री पोर्शन से, जैसे कि अभी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के बाद पता लगा है कि आपका फॉरेस्ट्री पोर्शन से 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, राइट। वहीं पर फिशरी पोर्शन से स्टूडेंट ने बोला है कि मैम 5-6 क्वेश्चंस आए हैं। एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पोर्शन की बात करें तो वहां से भी क्वेश्चंस आए हैं नियर टू 3-4, ठीक है, राउंड ऑफ एग्जैक्टली जो पता लगा है। इसके अलावा जो बातें पता लगी है, दैट जैसे कि हम लोगों ने कल भी जो हम लोगों ने मैराथन सेशन किया था उसमें डिस्कस किया था कि स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन का पूरा प्रोसेस देख लेना, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आपके IC सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो सब देख लेना, और वहां से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। जब मैं आपको याद करा रही थी, पूरा फॉर्मेट बता रही थी, तो बोला था कि इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, राइट। तो एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग में आप लोगों से आया है कि एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर की जब हम बात करते हैं, जो कि आपका कहाँ पर प्रेजेंट, आप कहाँ पर इसको डालते हैं, दैट इज इन फ्यूल सिस्टम, जो कि आपका इंजन सिलेंडर में प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन इज लाइक कि एयर फ्यूल मिक्सचर कहाँ पर प्रेजेंट होता है जी। चलो अभी एक स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, आपका संदीप सर एक स्टूडेंट के साथ कॉल कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे साथ एक पेड बैच के स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, तो आइए एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि उनका एग्जाम कैसा गया, ठीक है, एक बार जो है समझ लेते हैं कि कौन से पोर्शन से कितना आया था, ओके, एंड लेट्स लिसन टू हिज एक्सपीरियंस। हेलो अरिंदम, वेलकम टू द सेशन। अरिंदम, आप YouTube पे लाइव हो, ठीक है, एक बार बस बता दीजिएगा कि आपका ओवरऑल एग्जाम कैसा गया, और जितना आपको याद है कि कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले तो आपका एग्जाम कैसा हुआ? सर मेरा ठीक ठाक गया सर। ओके, कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 45 अटेम्प्ट किए हैं 60 से, ओके, और एक बार मैं सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, जितना भी आपको याद है कि कौन से पोर्शन से कितने हैं मुझे बता दीजिएगा। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो फिर एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे तो फिर एग्रीकल्चर में एक बार बता दीजिए कि आपका एग्रोनॉमी, ठीक है, उससे कितने क्वेश्चन आए सबसे पहले? सर एग्रोनॉमी से सर 5-6 आया था सर। ओके, 5-6 जी सर। गाइज, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 18-20 क्वेश्चंस थे, इस बार 5-6 है, तो काफी नो डाउट रिड्यूस हो गया है। सॉइल साइंस सर, सॉइल साइंस के दो क्वेश्चन था, ओके, थर्ड एनिमल हस्बेंड्री सर
सर एनुअल हस्बेंड्री में भी 5-6 क्वेश्चन था सर। 5-6 क्वेश्चन था, ओके। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से सर 6 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 6 क्वेश्चन थे, ओके। एंड साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स कमेंट्स में लाइव हैं, आप लोग भी बता सकते हो, ठीक है, कि कौन से पोर्शन से आया था, और एग्जैक्टली अगर आपको क्वेश्चंस याद है तो आप वो भी बता सकते हो, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। फॉरेस्ट्री में कितने? फॉरेस्ट्री जी सर 4-5 क्वेश्चन था सर। फॉरेस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन था। फिशरी, फिशरी से 5-6 क्वेश्चन था, ओके। एंड देन आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 3 क्वेश्चन था सर। ओके, 3 क्वेश्चन था एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, 3 या 4 क्वेश्चन था सर। ओके, 3 या 4 क्वेश्चन थे, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट एक बार बता दीजिएगा, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जी बताइए। हाँ, क्या बोल रहे थे? एंटोमोलॉजी, ओके। एंटोमोलॉजी से कितने थे? एंटोमोलॉजी से 3 क्वेश्चन था सर। 2 या 3, और ये 2-3 क्वेश्चन में सेरिकल्चर एपिकल्चर था, या सेरिकल्चर एपिकल्चर को छोड़ के जो जनरल एंटोमोलॉजी है वो 2-3 थे? सर मिक्स था सर। अच्छा, तो इसी 2-3 में सेरिकल्चर और एपिकल्चर के भी क्वेश्चन थे? सर सेरिकल्चर से सर 3 क्वेश्चन था सर। अच्छा, सेरिकल्चर अलग से मैम 3 क्वेश्चन था, ओके। और एपिकल्चर से? हाँ बोलिए। एपिकल्चर से तो सर आया नहीं था शायद। अच्छा, एपिकल्चर से नहीं आया, ठीक है। तो ब्रीडिंग जेनेटिक्स सर, जेनेटिक्स से सर याद नहीं आ रहा है सर अभी, जेनेटिक्स का। अच्छा, जेनेटिक्स का याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने और यहाँ पर क्या बचा? मेरे ख्याल से हमने हॉर्टिकल्चर भी कवर कर लिया, ओके। और उस इसके अलावा कोई प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, करंट अफेयर्स? सर करंट का मतलब स्कीम से क्वेश्चन था सर, स्कीम से 5-6 क्वेश्चन आए थे, ओके, ठीक है। मतलब स्कीम्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, न्यूज बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे अब की बार, राइट? ठीक है, ओके। अच्छा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह याद है कुछ? जी सर, हॉर्टिकल्चर से सर इन विट्रो कल्चर इन विट्रो आया तारे तो करवाया इन विट्रो आया तारे। और सर प्रोपगेशन से आया था, ग्राफ्टिंग से। ग्राफ्टिंग में कौन सी ग्राफ्टिंग पूछी गई थी सर? ग्राफ्टिंग एग्जैक्टली नहीं, प्रोपगेशन से था। अच्छा, क्या क्राउन ग्राफ्टिंग करने कुछ आया था क्या? क्राउन मतलब हॉरिजॉन्टली टू द सॉइल था। अच्छा, तो सर लेयरिंग से भी आया होगा हॉरिजॉन्टली, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन से आए थे? राइस का डिजीज था, उफली डिजीज। राइस का राइस का कौन सा मतलब कौन से डेफिशिएंसी आता है, वैसा एक क्वेश्चन था राइस का। राइस के डेफिशिएंसी एग्रोनॉमी से आया था कि राइस का डेफिशिएंसी क्या था, ठीक है। कौन सा डेफिशिएंसी था अगर किसी को यहाँ पर कमेंट्स में याद है, चैट में, तो एक बार मेंशन कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट। और सर राइस का और एक क्वेश्चन था सर, सर याद नहीं आ रहा है, और एक क्वेश्चन था सर राइस का। ओके, ठीक है सर, वो पारबॉइलिंग का क्वेश्चन था राइस में, पारबॉइलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ओके। पारबॉइलिंग, उसका आंसर पारबॉइलिंग होगा, ठीक है। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, दिस इज अ एनालिसिस सेशन, ठीक है। यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके बाद एक दूसरा सेशन लेके आएंगे जो कि आपके क्वेश्चन आंसर्स के सेशन रहेंगे। तो ये आपको एक ओवरऑल व्यू देगा कि इस साल IBPS AFO का एग्जाम कैसा था। नेक्स्ट। अच्छा, ये बताओ, ये कोई क्वेश्चन आया था हॉर्टिकल्चर में कि लॉन्ग डे जो प्लांट होते हैं उनकी कितने दिन की ड्यूरेशन होती है, कितने घंटे की ड्यूरेशन होती है शॉर्ट डे की? ये आया था क्या? एनिमल हस्बेंड्री से रैबिट का क्वेश्चन था। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री रैबिट का कल भी पैट्रिशन इन रैबिट था। और यहाँ पर सर आप नोट कर सकते हैं, ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम आया था, ग्रास कार्प फिशरी से था। सर
और सर फॉरेस्ट्री से साल का साइंटिफिक नेम पूछा था। ओके, साल का साइंटिफिक नेम फॉरेस्ट्री। मुझे ये तो कर ही दिया होगा, इजी है। अरे इंदम, ये तो कर दिए होंगे ना, ग्रास कार्प का भी और साल का भी। जी। और कोई क्वेश्चन? सीप का जेस्टेशन पीरियड। हाँ, हिना ने कराया होगा, अनवन हस्बैंड ने। जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड बोल रहे हो ना? और कोई क्वेश्चन? चलो कोई बात नहीं अरिंदम, अब तो आप एग्जाम दे आए हो, सो ओके, सो पूरी एग्रीकल्चर अंडर 24 की 7 की टीम आपको भाई बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अब हम वेट करते हैं, 10 दिन में तो रिजल्ट आ ही जाएगा, उम्मीद करते हैं। एक बार बाकी स्टूडेंट से भी कनेक्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच अरिंदम हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। अरिंदम, अगर आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन अगर याद आए तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, एक और चीज, तो ओवरऑल जो भी जितने भी क्वेश्चन आए थे 60 से, लेट से जो भी आपका बैच था, आप जो बैच में थे, तो ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आए हैं जो भी आपने पढ़ा है? क्योंकि नो डाउट हो सकता है ऐसे तो कुछ क्वेश्चन रहा ही होगा जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बैच में से सर 70-80% सर बैच में से आए थे। 70-80%, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच अरिंदम। हाँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था सर। मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, सो अरिंदम के हिसाब से एग्जाम वाज गाइस मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इवन बहुत सारे स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि सर मॉडरेट टू टफ था। ओके, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, सो अरिंदम हम कनेक्ट करेंगे फिर से, एंड कोई भी अगर डाउट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप अपने बैच के टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार कुछ हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन मेरे पास आए हैं जी। ठीक है सर, सितेंद्र पूछ रहे हैं कि सर पेपर दो शिफ्ट में है क्या? नहीं, एक ही शिफ्ट में है पेपर, दो शिफ्ट नहीं है, दैट्स इट, हो गया ना एक बार। हाँ जी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हमने पूछे थे सबके पेपर्स एक ही शिफ्ट में है। बिल्कुल, देखिए हॉर्टिकल्चर के जो क्वेश्चन आए थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हॉर्टिकल्चर के। एक तो आपका इन्विट्रो वाला बता रहा है कि जो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से लैब में कल्टिवेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, इन्विट्रो बोलते हैं। ये हमने कल मैराथन में भी करवाया था और आपको माइक्रो प्रोपेगेशन के माध्यम से क्लास में भी करवाया था। एक क्वेश्चन और बताता रहा है कि रोज में पूछी गई थी कि पल्सिंग किसमें करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लास का करा हुआ क्वेश्चन है और शायद यूट्यूब पर भी मैंने एक दो बार करवाया होगा जब मैं इसकी क्लास ले रहा था। एक क्वेश्चन तो आपका हॉर्टिकल्चर का कि जो लॉन्ग डे, ये आपका हॉर्टिकल्चर और क्रॉप फिशर दोनों में आता है। ठीक है, लॉन्ग डे जो प्लांट होते हैं उनमें कितने ड्यूरेशन होती है घंटे की? ठीक है, ठीक है, हाँ अच्छा, आपने कराया था। ठीक है, तो एक में 14 आवर कहीं लिखा रहा था, कहीं 12 घंटे लिखा रहा था, तो आपके जो भी इसमें आया होगा तो आपने उस हिसाब से लगा दिया होगा। ठीक है, और प्लस एक क्वेश्चन आया था आपका, एक क्वेश्चन रात वाली क्लास से आया था, हालांकि वो मैम का भी क्वेश्चन था, रात को मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको कि जो फॉरेस्ट्री में जो एग्रीकल्चर है और पोल्ट्री है उनको मिला के क्या बोलते हैं, तो एग्री पोल्ट्री या एग्री सिल्वीकल्चर करके मैंने एक पूरा क्वेश्चन आपको डिटेल में करवाया था, वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। ठीक है, हाँ आपने कराया था, वेरी गुड। सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों की बात की, बिल्कुल, जो भी सब्जेक्ट और हॉर्टिकल्चर डिस्कस। ठीक है, और हाँ एक अनियन से क्वेश्चन आया था, और अनियन का क्वेश्चन एक बच्चे ने पूरा नहीं जानकारी दे पाई कि अनियन से क्या क्वेश्चन था, लेकिन हाँ एक अनियन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ओके, और बच्चे ने क्या बताया है, एक इन्वर्टर हो गया, अनियन हो गया। ठीक है, और हाँ कोई एक प्रोपोगेशन से क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी जैसे बच्चा आएगा जानकारी दे देगा। हाँ मेरी गोल्ड में, अच्छा मेरी गोल्ड वाला आया था। ठीक है, हाँ लॉन्ग डे प्लांट सनलाइट ड्यूरेशन, ठीक है ये भी आएगा, तो बच्चे स्मृति बता रहे बेटा, ओके ठीक है, हाँ सनलाइट इन लॉन्ग डे प्लांट, ओके हो गया। और इस आपके कमेंट सेक्शन पे एक नंबर होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली हमें बता सकते हो, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। मैं ऑलरेडी नंबर दे चुका हूँ, प्लीज एक बार अपने कमेंट सेक्शन में देखिए, चैट वाला जो सेक्शन है, ठीक है इस पर आप कॉल भी कर सकते हो। ओके, सो एक हाँ आप इस पर कॉल भी कर सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो। ओके, सो हमारे साथ आई गेस एक और स्टूडेंट है, सो लेट्स गेट कनेक्टेड विद। हाँ जी, और जो जिन बच्चों का अभी तक याद आ रहा हो फटाक से वो कमेंट कर, सर्टिफाइड सीड प्योरिटी ऑफ अनियन, हाँ हाँ सर्टिफाइड सीड वाला आया था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अनियन जो क्वेश्चन था वो इसमें सर्टिफाइड जो सीड अगर हमें लगाने हैं तो उनकी डिस्टेंस कितनी रखते हैं, आई थिंक आई फुल डिस्टेंस से आता। हाँ रेड डेलिसिस, वेरी गुड बेटा, रेड डेलिसिस वैरायटी पूछी गई थी ये कल, शायद कल या परसों वाले बता दो, लाल अंबारी करके बताया था, रेड डेलिसिस बताया था। रेड डेलिसिस वैरायटी जो है ये किसकी वैरायटी है, तो सेब की वैरायटी है। ठीक है, पूछा गया था आपका, एक बार बता दीजिए। तो ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं, किसकी एप्पल की वैरायटी। एक बार बात कर लेते हैं, हिमांशु लाइन पर है। ओके, सो वेलकम टू द सेशन हिमांशु, एक बार बता दीजिए आपका एग्जाम कैसा हुआ?
सर एग्जाम तो मतलब मॉडरेट और डिफिकल्ट पेपर था okay. मतलब कहा जाए तो, क्योंकि मतलब पेपर सर डायरेक्ट क्वेश्चन तो थे ही नहीं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन देखा जाए तो मुश्किल से 10 या 15 होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके सो अटेम्प्ट अटेम्प्ट मेरे अटेम्प्ट 45 है सर. अटेम्प्ट 45 थे. ओके सो 45 आउट ऑफ 60. यस सर. ओके ठीक है. तो याद है सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज याद है आपको जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर? सर मेरे को सर क्वेश्चन वो याद है जो मेरे से नहीं बने. अच्छा ठीक है बता दीजिए. चलिए सही बात है, जो डिफिकल्ट होता है अटेम्प्ट नहीं होता है वही याद होते भी हैं. सर पहला तो मतलब क्वेश्चन एक आया था कि मतलब एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड था. हाँ, कि कोई गाय है, गाय में मतलब पाचुरेशन हो चुका है okay. और उसके मतलब अंडर की मतलब उसमें पूछा था कि एल्वोलाई का साइज छोटा आ चुका है, वापस से मतलब नॉर्मल हो चुका है okay. और उसमें ऑप्शन दिए हुए थे गैलेक्टोपोइसिस दिया था, गैलेक्टोजेनेसिस दिया था, लैक्टेशन दिया था और उसके बाद मतलब पाचुरेशन और ओवुलेशन कुछ दिया हुआ था ऐसे okay. पांच ऑप्शन ये थे. उसके बाद मतलब एक क्वेश्चन था मनरेगा से रिलेटेड okay. सीधा मतलब मनरेगा से डेफिनेशन दिया हुआ था कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट कौन देता है. ठीक है. उसके बाद सर एक क्वेश्चन ओनियन से था कि ओनियन का सीट मतलब ओनियन का कितना होता है वो ओके मतलब क्या कहते हैं उसको जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है. ठीक है जर्मिनेशन परसेंटेज ओनियन का कितना होता है okay. सर उसके बाद ग्रास का आपका नाम पूछा था. ग्रास का नाम पूछा था. कौन से ग्रास का आपका नाम पूछा था हमेशा? मैम सिल्वर ग्रास का. ओके लिख दिया था फिर ये? यस मैम. हिमांशु कुछ क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से याद आ रहे हैं? मैम जेनेटिक से मतलब एक क्वेश्चन तो था कि मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या फेवर नहीं करता है. ओके तो मैम उसमें पांच ऑप्शन थे, मतलब लेंथी मतलब लेंथी क्वेश्चन था मैम ये, क्योंकि मतलब उसमें एलिमिनेट करना था ऑप्शन को. अच्छा अच्छा अच्छा. ये डाइकोगैमी, डाइक्लिनी, हर्कोगैमी सब इस तरह का नहीं था. अच्छा ये था कि मतलब वाइगर रिड्यूस होता है और उसके बाद मतलब टैप रूट डेवलप होता है कि नहीं होता है और हार्डी प्लांट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, मैम इस टाइप का मतलब. ओके ओके मतलब कंसेप्चुअल था. ठीक है हां पूरा. ओके तो सेक्सुअल क्योंकि रिप्रोडक्शन में जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है बढ़ती है इसलिए इसमें एडेप्टेबिलिटी बेटर होती है, तो हार्डीनेस भी बेटर होगी. कोई बात नहीं, रिलैक्स होकर याद करो तब याद आएगा. बच्चा लिख रहा है क्वानिक एक्स में स्क्वायर से कितना टाइम ज्यादा प्लांट लगते हैं. ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बाकायदा वैसे कर रहा था मैम. क्वेश्चन आया था एक हां और सर मतलब वो आया था एक बेबी कॉर्न को कैसे कल्टीवेट करते हैं, मतलब कैसे मतलब किस मौसम में बोते हैं उसे. अच्छा बेबी कॉर्न को. अच्छा अच्छा बेबी कॉर्न से क्वेश्चन था. और नहीं 15 परसेंट नहीं होगा प्लांट मतलब लॉन्ग के प्लांट का शॉर्ट प्लांट का वो आया था पीरियड कितना होता है. ओके शॉर्ट डे प्लांट्स का पीरियड फोटो पीरियड. और मैम कुछ मैम वो आया था कि माइकोप्लाज्मा ग्रिंजल वाला आया था ना क्वेश्चन. माइकोप्लाज्मा इज ड्यू टू व्हिच ऑर्गेनिज्म? मैम उसका वेक्टर पूछा था, वेक्टर क्या होता है. अच्छा अच्छा वेक्टर पूछा था राइट. और इंजीनियरिंग से क्वेश्चन मैम इंजीनियरिंग से क्वेश्चन मैम ये आए थे कि एक तो मतलब कंबाइन हार्वेस्टर था, कंबाइन हार्वेस्टर का मतलब कुछ रेशियो पूछा था मैम, मेरे को याद नहीं, मतलब मैंने अटेम्प्ट नहीं किया वो वाला. और मैम इंजीनियरिंग से मतलब आई थिंक मतलब इंजीनियरिंग से क्वेश्चन लगभग 4 से 5 थे. ठीक है जिसमें मतलब एक क्वेश्चन तो आया था वो वाला कि मतलब जिसमें ब्रेक हाउस पॉइंट होता है, फ्रिक्शन हाउस पॉइंट होता है, जो ऐसा होता है क्वेश्चन ना उसमें पूछा था कि मतलब कौन सा सही होता है, जो फ्रिक्शनल सही फ्रिक्शनल हटा दो तो कौन सा होता है वो. अच्छा अच्छा ये जो बीएचपी एंड ऑल सब चीजें हैं. यस मैम. ठीक है कर दिया था ये क्वेश्चन? यस मैम. ठीक है इसका रेशियो वगैरह हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है. और मैम एक क्वेश्चन आया था कि इंजीनियरिंग से आया था कि मतलब कि कहां पे मतलब क्रैंकशाफ्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है ना वो मतलब वो पूछा था कि क्रैंक उसको क्रैंकशाफ्ट को क्या कहते हैं, मतलब मैम ये पूछा था सिर्फ क्वेश्चन. क्रैंकशाफ्ट का सेकंड नेम? नहीं मैम सेकंड नेम नहीं मैम, क्रैंकशाफ्ट उसका आंसर था. अच्छा अच्छा क्रैंकशाफ्ट आपका पिस्टन और कनेक्टिंग रोड के बाद क्रैंकशाफ्ट होता है ये पूरा फ्लाइंग व्हील मतलब इसके अंदर मतलब पिस्टन रोड मतलब घूमता है. अच्छा 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 ये क्रैंक केस और ये सब के बारे में पूरा मतलब ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आपका. यस मैम. ठीक है ओके क्रैंक केस उसका मैम आंसर था. ठीक है हां वही क्रैंक केस क्योंकि क्रैंकशाफ्ट क्रैंक केस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है मैम जेनेटिक्स से तो मतलब हॉर्टिकल्चर वाला ये था. अच्छा ये हिमांशु
ये बताइए हॉर्टिकल्चर में एक तो बच्चों ने बताया है कि ये आपका इनविट्रो वाला आया था, एक एक आप ये बताइए कि ये क्वानिकेक्स वाला भी क्वेश्चन आया था, क्वानिकेक्स में कितने प्लांट लगे? अच्छा ये वाला आया था, कर दिया था ना कि ये तो ठीक है, वेरी गुड ओके। और कौन कौन से क्वेश्चन आया था हॉर्टिकल्चर से? चार पांच ही क्वेश्चन आया था, चलो कोई बात नहीं ठीक है। एक तो आपका जो चार पांच क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे रेड एलिसस आया था ठीक है, और एक क्वानिकेक्स वाला आया था ठीक है, और एक आपका कौन सा था, और अच्छा एक पल्सिंग वाला आया था ना रोज में, ये जो पल्सिंग किसमें करते हैं ऐसा कुछ आया था ठीक है ठीक है, तीन हो गए ओके, तीन हो गए अच्छा, और तीन तो हो गए और वो याद है अच्छा, एक ये अनियन में कोई सर्टिफाइड वाला कुछ बता रहा था ठीक है ठीक है, चार हो गए और अच्छा ये कह रहा है कि अच्छा माइकोप्लाज्मा अच्छा ब्रिंजल वाला हो गया। एक मैंने आप लोगों की पूरी क्लास YouTube पे ली थी जिसमें सिर्फ वेक्टर्स करवाए थे आई गेस। हाँ भाई हो गया। Hopefully इसमें कवर सारे वेक्टर्स करे थे हमने तो स्टूडेंट्स ने किया होगा। एक क्वेश्चन आया था। SPO का क्वेश्चन आया था कि मतलब SPO का कितना कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है SPO वालों को? अच्छा एसपीओ वालों को पैसा कितना मिलता है ठीक है, सुनी सर का पोर्शन हो गया। एसपीओ होगा मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को